कळंबोली येथे राहणाऱ्या वाहतूक व्यावसायिक जसपाल सिंग खोसा उर्फ पाल सिंग याची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती. कळंबोली येथील एका उद्यानात आपल्या पाळीव कुत्र्याला घेऊन ते फिरायला गेले होते. त्यावेळी अचानक आलेल्या दोन मारेकऱ्यांनी त्यांची निर्घृणपणे हत्या केल्याचा प्रकार झाला होता. त्यांच्या हत्येची उकल झाली असून या प्रकरणी त्यांची पत्नी आणि तिच्या माहेरच्या दोन जणांना अटक करण्यात आलेली आहे. पती वारंवार पैसे मागत होता. हा पैशांचा तगादा अति झाल्यानंतर माहेरच्यांना हाताशी धरून त्या महिलेने हे कृत्य केले आहे. याबाबत अधिक माहिती अप्पर पोलीस आयुक्त मिलिंद साकोरे यांनी दिली. बॉडी पड़ी हुई मिली पार्क में कळंबोली में, तो उसके मुताबिक एक 112/23 ऐसा मर्डर ऑफेंस हमने रजिस्टर किया है. उसके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पैरेलली क्राइम यूनिट 2 भी उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ क्लू मिले और इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली कि आरोपी जो है दिल्ली की तरफ जा रहे हैं करके. तो हमने दिल्ली में भी टीम भेजी और एक कुरला में भी हमने टीम भेजी थी. तो हमें बॉम्बे में ही वो दो आरोपी जो इसमें निष्पन्न हुए हैं, मतलब इसमें जो विक्टिम है उसकी वाइफ, तो उसको इंट्रोगेट हमने किया था. उसके सिवा और दो आरोपी जो रिलेटिव हैं उसको हमने बॉम्बे से अरेस्ट किया है. और जो रीज़न इसमें मोटिव जो रहा है कि इनमें फाइनेंशियल इश्यूज में कुछ इनके डिस्प्यूट थे और इनका दोनों का हर बार झगड़ा होता था, तो उस कारण जो विक्टिम की जो वाइफ है और ये जो रिलेटिव हैं दो जो हमने अरेस्ट किए हैं, उन तीनों ने इनको प्लान करके ये मर्डर किया है, ऐसा अब तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया.